हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवजू क्लासेस। आप सबका अपना चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। आज मैं लेके आ गई हूँ मैथ का आंसर की कि किस टाइप का क्वेश्चंस आया आप लोग का। और इस चैनल पे आप लोग का आगे जो साइंस और इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो उसका MCQ आएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, जिससे कि आप लोग को हेल्प होगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द्विघात बहुपद t²-15 के शून्यक हैं, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे इसको t²-15=0। ठीक है, तो फिर t² = क्या हो जाएगा, 15। फिर उसके बाद हो जाएगा t = स्क्वायर रूट में तोड़ देंगे तो +-15। उसके बाद t का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-15 एंड -√15। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक घनात्मक हो जाएगा और एक ऋणात्मक हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरण 2x-3y = 8, 4x-6y = 9 है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है इसमें, इसको हम लोग पहले कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, 2x-3y = 3y-8=0। 8 को हम लोग इधर ले आएंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, =0, इक्वेशन 1 हो गया। और 4x-6y-9=0, इक्वेशन 2। अब इसमें से a1 a2 b1 b2 ये सब का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, a1 a2 b1 और फिर b2 और c1 और c2 का वैल्यू निकालेंगे और फिर कंपेयर कर देंगे। ठीक है, कंपेयर कर देंगे तो a1/a2=1/2 आ गया, b1/b2=2 आ गया, -3/-6 तो 1/2 आ गया, और c1/c2= क्या आ गया, 8/9। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2= क्या है, b1/b2 एंड ≠ क्या है, c1/c2। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया असंगत और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हम लोग का हो गया असंगत और इनकंसिस्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.3+√2.3+2√2 का सार्वभौमांतर क्या होगा। तो यहाँ पे a1 क्या हो गया, 3, और a2 हो गया 3+√2। ठीक है, तो सार्वभौमांतर d = क्या होता है, a2-a1, यानी 3+√2-3, तो क्या आ गया हमारा, √2। सार्वभौमांतर क्या हो गया, √2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 7/80, 80 से हम लोग 7 में भाग देंगे तो कितना आएगा, पॉइंट बैठाएंगे तो 0, फिर 0 बैठाएंगे तो 0, तो 8 बार में जाएगा, 640 हो गया। तो यहाँ पे 6 और 0 बचा पॉइंट के जगह पे, फिर 0, तो फिर कितना बार में जाएगा, 7 बार में 560। ठीक है, 40 हुआ, फिर पॉइंट के कारण 0 देंगे यहाँ पे, तो 5 बार में, तो ये पूरा कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, शांत। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 का अभाज्य गुणनखंड, तो 84 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे निकाले हैं, देखिए 2 से इसका प्राइम फैक्टोरियल करेंगे तो 2 4 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 2 1 जा 2, 3 से 3 7 जा 21, तो क्या हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक शंकु का आयतन 1570 cm³ है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 cm² है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग का क्या दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है πr² 314 cm², और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h, और दिया हुआ है शंकु का आयतन 1570। तो हम लोग लिख सकते हैं 1570 = 1/3 πr² का वैल्यू हो गया 314, तो 314 यहाँ पे लिख दिए और h, तो अब हम लोग इसको इधर ले जाएंगे तो 1570 × 3 × 300 / 314 = h, काटेंगे 314 से 5 ही बार में चल जाएगा और 5 × 3 = 15, तो हम लोग का ऊंचाई क्या आ गया, 15 cm। ठीक है, ऊंचाई हम लोग का हो गया 15 cm। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो गया।
मान लेते हैं हम लोग आर वन दिया हुआ है 3 एंड आर टू दिया हुआ है 4, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर वन स्क्वायर अनुपात पाई आर टू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आर वन का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे आर टू का वैल्यू पुट करेंगे, तो आर वन स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3, और आर टू का स्क्वायर है तो 4 × 4, तो पाई पाई कट गया। ठीक है, 3 × 3 = 9, 9 = 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr². ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 sec² a माइनस 2 tan² a बराबर क्या होगा। तो हम लोग 2 sec² a को लिख सकते हैं 1 बाई cos² a, 10² a को लिख सकते हैं sin² a बाई cos² a, और 2 दोनों में था तो इसलिए हम लोग 2 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर उसके बाद cos² a नीचे लिख लिए, हालांकि दोनों का हर जो है सेम है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस sin² a। अब 1 माइनस sin² a को हम लोग लिख सकते हैं cos² a, तो 2 बाई cos² a बटा cos² a, दोनों को काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, sin a = दिया हुआ है 0.6, तो हम लोग को सेके का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सेके का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं sec = 1/cos a, तो cos a को लिख सकते हैं √1 − sin² a। साइन ए का वैल्यू दिया है 0.6, तो 1 − 0.6 का होल स्क्वायर, तो 0.6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 − 0.36। ठीक है, माइनस करेंगे तो 1/0.64, तो 0.64 को जब हम लोग स्क्वायर रूट में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1/0.8। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 10/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, −3 − 1/2 2 का 10th पद क्या होगा। तो यहाँ पे ए क्या है −3, और एन 10वां पद पूछा है तो एन हो जाएगा 10, और डी क्या हो जाएगा −1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। अब हम लोग को 10वां पद निकालना है, तो हम लोग जानते हैं an = क्या होता है, a + n − 1 × d, तो a10 = क्या हो जाएगा −3 + 10 − 1 × 5/2, तो सबको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आंसर 39/2। ठीक है, 39/2, 39/2 को हम लोग 19.5 भी लिख सकते हैं, या 19.1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, kx × x − 2 + 6 = 0 के मूल समान है, तो k का मान क्या होगा। तो पहले हम लोग इसको उतार लेते हैं, kx दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, kx × x − 2 + 6 = 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो kx से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा kx² − 2a kx + 6 = 0। अब हम लोग यहाँ पे b क्या है, b = हो गया −2k। ठीक है, और a = हो गया k, और c = हो गया 6, तो b² = क्या हो जाएगा 4ac, तो b का वैल्यू पुट कर देंगे तो 2k का होल स्क्वायर = 4 × k × 6, अब 4 4 यहाँ पे कट जाएगा, तो k² = क्या बचेगा, k² = हो गया 6k। अब k² − 6k = 0, इस 6k को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा k k − 6 = 0। ठीक है, तो जब k = 0 हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे k = 0, तो इक्वेशन जो है हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, और जब k = 6 पुट करेंगे तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k का वैल्यू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, k के किस मान के लिए 4x + 3y = 5, 2x + ky = 1 का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो 4x + 3y = पहले हम लोग इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 4x + 3y − 5 = 0 एंड 2k + ky − 1 = 0, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इक्वेशन 2। अब यहाँ से a1 निकालेंगे तो यहाँ पे a1 हो गया 4, b1 हो गया 3, c1 हो गया −5 एंड a2 हो गया 2, b2 हो गया k एंड c2 हो गया −1। ठीक है, तो अब हम लोग इसको करके देखेंगे, तो a1 जब हम कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है, a1 by a2 = b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ठीक है, तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 4/2 = 3/k is not equal to क्या